उसमें ऐसी क्रिएटिविटी दिखा के लोगों को दिखाएं कि वो इंटरेस्टिंग लगे, जैसे जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बनाने की कोशिश करता हूँ डेली डेली। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि वही सिंपल सादी चीज, लेकिन उसको क्या हम एक क्रिएटिव टच देके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज बातचीत होगी सौरव जोशी के साथ, जिनको दुनिया जानती है एज वन ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट व्लॉगर्स, लेकिन मैं मिला एक नायाब आर्टिस्ट से और एक बेहतरीन सहज इंसान से। मैं बहुत खुश हूँ आज, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं बहुत, वैसे भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं अमेजिंग लोगों से मिलता हूँ, और टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आई हैव कम टू मीट सौरव। आपकी जो सहजता है मैं हमेशा उसी को जिंदाबाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना हम लोग कुछ पाने के बाद वो सहजता खो देते हैं। मैं आपसे दो तीन ऐसे ही सवाल पूछता हूँ जो मेरे दिमाग में आए थे। सौरभ, आप जानते हैं ना कि आपने जिस तरह की आपकी ज़िंदगी चल सकती थी उसमें एकदम आपने फ़र्क कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाउ इज़ द जर्नी बीन माय दोस्त, कैसा रहा आपका? मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस मुझे करना अच्छा लगता था। लाइक ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, आर्ट स्टार्ट करा, वो हो गया बस, मतलब पैशन था करने का, तो वो वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे डाला और लोगों को पसंद आया, तो वो हो गया बस, कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट सौरभ के काम में मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि अपार्ट फ्रॉम ही इज वेरी फेमस इज बिकॉज ऑफ हिज व्लॉगिंग, लेकिन अगर इफ़ यू वॉच हिज आर्ट चैनल आपको पता चलेगा द आर्टिस्ट दैट ही इज। डू यू सी दैट आप जो आर्टिस्ट हैं वो इवन दो आप व्लॉग्स में आप आर्ट ड्रॉ करते हुए नहीं दिखते, पर कहीं ना कहीं आपकी वो सेंसिबिलिटी दिखती है? हाँ, वो तो है, व्लॉग्स में भी फॉलो करता ही हूँ वो सब चीज़ें, और आने वाले टाइम में और भी प्लान्स हैं मेरे, मतलब किस तरह से और क्रिएटिव चीज़ें करी जा सके। वाह, हाँ, ब्लॉग के थ्रू। यू नो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, मुझे जब कई लोग पूछते हैं कि आर्ट क्या है, और मुझे किसी ने बहुत सालों पहले बोला था कि क्रिएटिविटी इज़ द आर्ट ऑफ रीथिंकिंग, कि हम किस तरीके से उसी चीज़ को नए तरीके से सोच सकते हैं। तो मैंने सिंपल सी चीज़ है, लाइक हम कुछ कर रहे हैं उसको हम किस तरह से उसमें ऐसी क्रिएटिविटी दिखा के लोगों को दिखाएं कि वो इंटरेस्टिंग लगे, जैसे जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बनाने की कोशिश करता हूँ डेली डेली। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि वही सिंपल सादी चीज़, लेकिन उसको क्या हम एक क्रिएटिव टच दे के इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बहुत सारे लोग जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, ना सिर्फ ब्लॉगिंग, आप क्या सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ को? मतलब कोई भी चीज़ मान लो हमको करनी है, तो वो किसी और को ना देख के खुद दिमाग लगा के, अगर उसके अंदर कोई भी आइडिया है उसको लेके उसको करे। लाइक ट्रैवल में हम कोई जगह ट्रैवल करते हैं, कोई एक मोन्यूमेंट ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर मतलब क्या क्रिएटिविटी दिखाई जा सके लोगों को, कुछ एक अलग सी चीज़, तो वो अगर उसके माइंड में है और वो दिखाना चाहता है तो करना चाहिए इस तरह से। तो सौरभ ने जो बात की उसमें मुझे बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि हम लोग सब सोचते हैं कि अलग तरीके से सोचें, तो सौरभ मैंने पाया है कि हम सब अलग तरह से वैसे सोच सकते हैं जब हम अपनी तरह से सोच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, है ना। जैसे आपके जैसा कोई नहीं सोच सकता, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता, आप जो देख रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं सोच सकता, तो रादर देन कॉपिंग अदर्स, अगर हम खुद जो अनूठे ढंग से कोई चीज़ देखते हैं उसको अगर दिखा सके तो वो चीज़ सचमुच अनूठी हो जाएगी। लाइक जैसे आप हो, आप तो आप हो ना, अब आपको देख के कोई आप जैसे तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं हूँ, मैं जैसा हूँ अपने ब्लॉग्स में, मैं वैसा हूँ, और आप तो जैसा कोई नहीं बन सकता। हाँ, वैसे हर किसी की पर्सनैलिटी, हर किसी का काम, हर किसी का तरीका, वो सब अलग होता है। वेरी वेरी पावरफुल। बस आज मैं सौरभ से इतनी ही बात करूँगा। सौरभ, तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, जब हम अपनी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट कर पाते हैं कि मेरे अंदर कुछ खास है, मेरे अंदर कुछ अलग है, उसी समय हम दूसरों के अंदर कुछ यूनिकनेस को अप्रिशिएट कर पाते हैं कि तुम में कुछ क्या खास है। बहुत सारे एपिसोड्स हुए मेरी लाइफ में, कुछ अच्छे कुछ उतने अच्छे नहीं, लेकिन अगर उसमें से कुछ अच्छा मैं अपने लिए ढूंढ पाया हूँ तो वो चीज़ रही है मेरे साथ, है ना। और अगर मुझे उसमें मैंने कहा ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो वो बुरा रहा है मेरे साथ। हाँ, पॉजिटिविटी देखनी पड़ती है सर, बहुत ज़रूरी है। हाँ, है ना, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना, पॉजिटिव लोगों से मिलना। लाइक अभी आप आए हो, हाँ, तो मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं वो मुझे पता है, वो और किसी को नहीं पता होगा। तो हाँ, बहुत सारा प्यार। हाँ,
सौरभ और कोई शब्द नहीं मेरे पास आने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव मेट सौरभ जोशी, अ क्रिएटर जो अपने को न छोड़ के क्रिएट कर रहे हैं अपने साथ. सो जिंदाबाद बंधु, आप ग्रो करते रहें. थैंक यू सो मच. और लोगों को इंस्पायर करते रहें कि लोग अपने अंदर की, अच्छा इनको आप जब भी देखते हैं ना, आप ये मानिए कि इन्होंने अपने अंदर की कुछ ख़ास चीज़ को सामने लाया दूसरों के लिए. तो आप भी अपने अंदर जो ख़ास है उसको बढ़ावा दीजिए. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल सर. थैंक यू सो मच सर. ढेर सारा प्यार. बंधु, हम लोग सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी कामयाबी की कुंजी हमारी खासियत में है, जो हम में अनूठा है, उसी के जरिए हम जीत पाएंगे. मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूं इस चैनल पर. आते रहिएगा बंधु. याद रखिए, एक ही जिंदगी है, इसी जिंदगी को हमको खास बनाना है, इसी खास जिंदगी में हमें कामयाब होना है. अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी.